हेलो फ्रेंड, बन्ना किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो मटका कुल्फी, जो बहुत ही कम सामग्री से बन जाती है, बनाना भी बहुत आसान है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं मैंगो मटका कुल्फी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन घंटी को दबाएं। इसके लिए मैंने लिया 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क, जिसे मैं तब तक गर्म करूंगी जब तक ये उबाल आके 1/3 ना हो जाए। अब मिल्क उबल कर 1/3 हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी, और चीनी के गलने तक थोड़ा और उबाल लेंगे। अब फ्लेम को बंद करके मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं मैंगो पल्प तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 2 मैंगो लिया है। इसका पल्प निकाल कर मैं ग्राइंड कर लूँगी, और मिल्क भी हमारा ठंडा हो गया है। इसमें मैं पल्प को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मेरा मैंगो मिल्क पेस्ट रेडी है। अब इस मिश्रण को मटका में भर देंगे। आप चाहे तो इसे छोटी ग्लास या कप में जमा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देते हैं। फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर देते हैं और इसमें रिबन लगा देते हैं। इसे जमने के लिए 8 से 10 घंटे फ्रीजर में रख देते हैं। अब इसको मैं निकाल कर देख लेती हूँ। मैंगो मटका कुल्फी तैयार है। आप भी ट्राई करें और अपना अनुभव कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।